हमारा जो डॉल केक है ना, वो स्टार्ट हुआ था 2 केजी से और आते आते आखिरकार हम लोग हाफ केजी में भी डॉल केक बनाना शुरू कर दिए। मैं ये हाफ केजी का स्पंज लिया था, बट मैं उसकी जब कटिंग कर रहा था तो मैं वीडियो ऑन करना भूल गया। अगर आप लोग को कटिंग देखना है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कटिंग करके दिखा दूंगा। आई होप, मुझे पता है कि मेरी जो होममेड सिस्टर्स हैं उनको खुद ही ये सब आता है और ये सब डिज़ाइन वगैरह वो लोग भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आज के टाइम पर हर कोई सेफ है। तो उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग के जो केक होता है होम बेकर्स के, मैं आप सभी के केक्स देखता हूँ, बहुत अच्छे केक बनाते हैं आप लोग। बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही लगे रहिए। और आज का केक हाफ केजी का है, डॉल केक है, और इस केक का जो प्राइस है वो है 350 रुपीज़। वैसे तो हाफ केजी केक का रेट जो होता है वो 300 होता है, ये डॉल का जो प्राइस है वो है 50 रुपीज़ का। हमारे यहाँ का केक का रेट तो यही है, और आप लोग बताना आप लोग को कि क्या क्या रेट होता है। तो आज का डॉल केक हम लोग रेड एंड वाइट एंड येलो कॉम्बिनेशन में बनाएंगे। मैं डॉल केक इतना ज़्यादा मतलब बनाते बनाते थक गया हूँ कि मुझे कुछ नया आइडिया आता ही नहीं है। तो बहुत टाइम तक मैं कुछ देर पहले सोच लेता हूँ कि क्या बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, तो यही मैंने अब बनाया था। अच्छा, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप लोग ग्लेज का यूज़ बहुत कम करते हैं जो होम बेकर्स हैं, तो आप लोग ग्लेज का भी यूज़ करा करिए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ग्लेज बनाना, मतलब जो जेली होती है, जो ग्लेज होता है, उसको सिंपली हम लोग बना सकते हैं। आप लोग सिरप बनाते हैं, जो सिरका होता है, जो गुलाब जामुन वगैरह में सीरा होता है, वो बना लीजिए। उसमें आप लोग सिर्फ और सिर्फ कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे ना, तो वो न्यूट्रल जेली की तरह काम करने लगेगी। आप कलर ऐड करके उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और आज का वीडियो बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है और कुछ चीज़ें मैं बताना भी चाहता हूँ, तो आई होप मैं आने वाले टाइम में भी कुछ वीडियोज बनाऊँगा तो उन्हें बहुत चीज़ें आपको बताऊँगा, यूट्यूब से रिलेटेड, केक से रिलेटेड, जितना भी मुझे आता है मैं सब कुछ बताऊँगा। तो बस आप लोग मुझे सपोर्ट कर दिया करो थोड़ा सा, बस यही मेरे लिए बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को जो होम बेकर्स नहीं हैं, जो मेरे मतलब सपोर्टर्स हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए थैंक यू यारो, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही खुश रहें आप।